से छात्रों को लेकर बिहार के लिए चली सबसे पहले छात्र स्पेशल ट्रेन सोमवार की सुबह 5:30 बजे बरौनी जंक्शन पहुंच गई। ट्रेन में बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका के 1271 छात्र छात्राएं थे, जिसमें से बरौनी जंक्शन पर छात्र छात्राएं जब ट्रेन से उतरे तो उनके चेहरे पर घर लौटने की खुशी देखते ही बन रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि इन लोगों को स्टेशन पर माता पिता के बदले प्रशासन ने रिसीव किया, लेकिन इसके बाद भी घर वापसी की खुशी देखते ही बन रही थी। कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेशन पर उतरने के बाद बनाए गए काउंटर पर पंजीकरण के बाद अलग अलग बसों में उन्हें प्रखंड मुख्यालय भेज दिया गया, जहां की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा। दूसरी ओर इसी ट्रेन से आए भागलपुर लखीसराय जिला के बच्चों को संबंधित जिला प्रशासन के संरक्षण में बस उनके जिला भेज दिया गया है। ट्रेन के ठीक 5:30 बजे बरौनी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचते ही सुरक्षा बलों ने घेर लिया तथा बारी बारी से काउंटर पर स्कैनिंग के बाद हाथ पर मुहर मारकर सभी को जंक्शन से बाहर निकाला गया। मैं वहाँ पे मतलब कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, मेरी कोचिंग क्लासेस भी बहुत 1 महीने से बंद हो गए थे, टेस्ट भी बंद हो गए थे और हमारा तो सिलेबस तो ओवर हो ही गया था, इसलिए वहाँ रहने से कोई फायदा नहीं था। और हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया सरकार से, लेकिन उन्होंने बहुत लेट से मतलब कि कुछ एक्शन लिया हम लोगों के लिए। नीतीश सरकार से ही कहीं हमने उनको ट्वीट करके बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने हमारा एक भी नहीं सुना। बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट। Nation24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल Nation24 के साथ। नमस्कार।